आइए देख लेते हैं कि आपकी थर्ड पार्टी की क्या इंटेंशंस हैं आपको लेकर, क्या वो आपकी जान छोड़ देंगी या नहीं, या आपका रिश्ता ये ख़त्म करवा कर ही जाएंगी। इतनी सारी कार्ड नहीं ले सकती है, क्या आप क्या इंटेंशन है उसकी, क्या इंटेंशन देखते हैं, और इस आपके रिलेशनशिप को क्या वो छोड़ के जाएंगी या नहीं छोड़ कर जाएंगी। लेट्स सी, एक का दो कार्ड आए थे लेकिन एक जो आया है वो देखो, थे इंटेंशन देखते हैं उसकी क्या है। रूल करना आपके पर्सन के ऊपर, स्टेबिलिटी, पैसा खींचना, अपना नाम हर चीज़ रखना, अपने नीचे रखना हर किसी को, अगर अपनी सीट, अगर आपके पर्सन फॉर एग्जांपल आपके पर्सन कोई नहीं है और अगर आपकी बॉस है आपकी थर्ड पार्टी, या आपकी कोई ऐसी वुमेन है जो ओल्डर है, या आपकी फॉर एग्जांपल मैं किसी का रिलेशन का नाम नहीं ले रही लेकिन अगर आपकी किसी पर्सन की कोई बड़ी है तो वो नहीं चाहती कि अपना जाना राज खोएं इस चीज़ को लेके, तो वो अपना राज स्टेबल रखना चाहती हैं और आपका राज ख़त्म करना चाहती हैं जो आपने उनके दिल में। फोर किसी के लिए, टू किसी के लिए, वन किसी के लिए, बहुत स्पेसिफिक हो सकता है, मोबाइल नंबर में आ सकता है, डेट ऑफ बर्थ में आ सकता है, हाउस नंबर में आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन बेसिकली जो स्ट्रक्चर उन्होंने खड़ा किया है ना टूवर्ड्स अपना और उनका रिलेशनशिप, वो आपको दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंकना चाहते हैं। हम देखते हैं कामयाब होंगी या नहीं होंगी। यस, लालच का भी अगेन स्टेबिलिटी का कार्ड आया है, फुलफिलमेंट का कार्ड आया है। आपको पढ़ना आता है, आई थिंक यू नीड सम गाइडेंस इन प्राइवेट, और आप लोग सक्सेसफुल की एनर्जी आई है। आई एम सो सॉरी, मैं नहीं चाहती कि ये आए, बट द थिंग इज़ कि यही आई है। अल्लाह ना करे, गॉड ना करे, ईश्वर ना करे ये हो, लेकिन देखें जब मैं कहती हूँ कि कॉल आएगी तो आ जाती है ना, तो अगर आप लोगों का ना दिल इतना होना चाहिए कि आप हर सच और हर हक बात सुनने सकें, क्योंकि हर वक्त मीठा मीठा कोई नहीं बोल सकता। आपकी ज़िंदगी क्या हमेशा अच्छी रहती है? ऐसा नहीं होता था, अप एंड डाउन आता, रिलेशनशिप में भी आते हैं, तो उसका क्या तरीका होता है? प्रोटेक्शन करवा लेना, प्रोटेक्शन ले लीजिए टूवर्ड्स यू, टूवर्ड्स योर लाइफ, ताकि अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजरे। ठीक है, आई थिंक यू नीड योर रिलेशनशिप नीड प्रोटेक्शन, सॉरी टू से। अगर आपने इन सम टाइम नहीं करवाया तो क्या, अगर आप लोग अभी भी बैठ के देखते रहे तो हम देखते हैं कि अगर आप लोग इसके बावजूद अगर आपको पता लग जाए ये रीड आप तक अल्लाह ताला आपको ईश्वर पहुँचा दे और अभी भी आप बैठे हुए तो फिर क्या होगा? लेट्स सी, एक कार्ड आ तो रहा था, मुझे नहीं पता। अगेन ये पेशेंस ना आपको मरवा के छोड़ेंगे, सॉरी टू से। और अब हम देखते हैं कि क्या अगर आपने नहीं नेक्स्ट एक्शन लिया तो फिर आपकी लाइफ, नहीं नहीं इतने सारे कार्ड नहीं हो सकते। लेट्स सी, फेयर है आपको इस चीज़ का और ये फेयर आपका कंप्लीट हो जाएगा अगर आपने अब भी एक्शन ना लिया अपने लिए। थैंक यू सो मच।